बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे देगी आलू गोश्त, जिसके लिए हाफ के जी हम लोगों ने मटन लिया है, टू मीडियम साइज के आलू लिए हैं हम लोगों ने, टू मीडियम साइज के टमाटर, टू मीडियम साइज के प्याज, फोर हरी मिर्चें, हाफ कप कुकिंग ऑयल, हाफ कप दही, टू टेबलस्पून लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, खड़े मसाले लिए हम लोगों ने, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, लौंग, दालचीनी, बादियान का फूल, काली मिर्च। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रेशर कुकर हम लोगों ने ले लिया है, अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल देंगे। आलू को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। प्याज गोल्डन ब्राउन से करने हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, थोड़े से और कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन से हो गया, अब इसको बाहर निकाल लेंगे। प्याज को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, अब हम इसी ऑयल के अंदर मटन डाल लेंगे। इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। उस वक्त तक भुनाई करेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाल के भुनाई करेंगे। इसी तरह हम दूसरे मसाले डालेंगे, सूखा धनिया, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पीसी हुई लाल मिर्च और हल्दी। हमने अच्छे से करनी है भुनाई। डाल देंगे टमाटर, टमाटर के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। जो हमने प्याज निकाले थे वो और खड़े मसाले जो हम लोगों ने थोड़े थोड़े लिए हुए हैं चुटकी चुटकी, इन दोनों चीजों को हम लोगों ने ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ी देर हो गई है, टमाटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसकी भी हम लोगों ने अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई अच्छे से हो गई है, इसके अंदर डाल देंगे 1.5 कप पानी। प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे ताकि अच्छी तरह गोश्त गल जाए। दस मिनट के लिए लगा दिए ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। 10 मिनट हो गए हैं, इंशाल्लाह हमारा गोश्त भी अच्छे से गल गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे दही। दही के साथ अब इसकी भुनाई करनी है। दही की बुनाई भी अच्छे से हो गई है, अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू, इसकी भी बुनाई अच्छे से कर लेंगे।
10 मिनट के लिए इसको ढक देंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाए। 10 मिनट हो गए हैं, आलू भी हमारे अच्छे से गल गए। इसके अंदर हाफ टी स्पून कसूरी मेथी डाल देंगे, हरी मिर्चें वो डाल देंगे। देगी आलू गोश्त हमारा रेडी हो गया है। चले जी अब हम इसको करते हैं डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।